संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं। आपका काम सदन चलाना है, हम यहां आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को सोमवार 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। लुक एट द जेस्टरिंग, लुक एट व्हाट यू आर सेइंग। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है। सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आप और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए इनकार कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। और अरे ये क्या है, आप सर अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूंगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए।